सरकार नमस्कार माहौल जबरदस्त शानदार सी ए इंटरमीडिएट या सी ए में इंटरमीडिएट लिए दिस इज द फुल कोर्स सरकार जी एस टी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स हम शुरू करने वाले भाइयों सरकार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बैच के अंदर दिस इज द फुल कोर्स बैच विच इज बिंग रिकॉर्डेड स्पेसिफिकली फॉर मे ट्वेंटी फोर एग्जाम्स जिनके भी सी ए इंटरमीडियट है और जिनके भी सी ए में इंटरमीडिएट है उनके जून ट्वेंटी फोर में जो एग्जाम्स होने वाले उसके लिए बैच विल बी परफेक्ट रिलावेंट एंड सर वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग विच इज देयर इन योर सिलेबस ओके सरकार तो शुरू करते हैं अपना काम लेके प्रभु का नाम तो सर सबसे पहले अपने भगवान को आप याद कर लीजिए सर एंड सर अपने पेरेंट्स को सर मनी मन आप प्रणाम कर लीजिए थैंक यू कर दीजिए क्योंकि जो भी हम आज है जितना भी है सर उन्हीं की बदौलत है तो सरकार लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अपने पढ़ाई का काम इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सर सबसे पहली बात सर हम ऑलरेडी बात ये कर चुके हैं कि दिस इज अ फुल कोर्स बैच एंड सर अभी आपने सीए फाउंडेशन पास करके जीएसटी पहली बार पढ़ने वाले हो मैंने ये प्रोजेन लिया है कि टैक्सेशन का कुछ भी बिल्कुल भी नॉलेज आपके पास नहीं है जीएसटी का नाम ही हमने पहली बार सुना है कुछ भी हमको नहीं आता है हमको राइट फ्रॉम द स्क्रेच शुरू करना है एंड वी हैव टू हैीच टी टॉप ओके सो सरकार प्लीज भले ये वीडियो क्लास के हम वीडियो क्लासेस के थ्रू हम इंटर कर रहे हैं बट सर दिस शुड बी इंटरेक्टिव और आपको मेरे हर पॉइंट का जवाब देना है एंड आपको मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ इंटरेक्ट करना है बात करनी है सर इस लेक्चर के अंदर आपको और हमको ये करना है कि आप और हम बस ये दो जने बैठे हैं लेक्चर के अंदर और हमको बात करनी है मस्त होके ओके okay? सरकार शुरू करते हैं हम बात सर जी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स इन टैक्स ओके सर सबसे पहली बात जैसा आपको पता है एज फार एज योर सी ए इंटरमीडिएट सिलेबस इज कंसर्न्ड हंड्रेड मार्क का जो पेपर होता है बेटा आपका ये उसमें फिफ्टी मार्क इज फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन एंड फिफ्टी मार्क्स आर फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन सर हंड्रेड मार्क का सीए इंटरमीडिएट में सी ए इंटरमीडिएट सर दिस इज पेपर नंबर थ्री विच इज कॉल्ड टैक्सेशन सर ग्रुप वन के अंदर पेपर आता है बेटा आपका ग्रुप वन पेपर नंबर थ्री टैक्सेशन उसमें दो पोर्शन है आपके लिए मालिक डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ओके इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पोर्शन में आ रहा है सीए इंटरमीडिएट में जी एस टी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्लियर ओके सर में यशवंत मंगल आपके लिए सर इंडरेक्ट टैक्स पढ़ाएगा माहौल के साथ क्लियर सर एवरी कॉन्सेप्ट यू हैव टू डील कॉन्सेप्टी प्रैक्टिकली सर ओके सर इंडरेक्ट टैक्स शुरू करते बच्चों बात को हम एज फार इज योर सिलेबस इज कंसर्न सर हम हर एक चीज वो कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है पर पर सर राइट फ्रॉम द स्क्रैच वी हैव टू बिगिन तो मैंने सबसे पहले बात आपको ये कही है कि सर मैंने एजमशन लिया है कि हम पहली बार टैक्सेशन पढ़ रहे हैं हमको कुछ भी नहीं आता है उस लेवल से हमको शुरू करना है चलिए सर शुरू करते हैं हम बात अपनी इंडायरेक्ट टैक्स को लेके सर अगर हम बात करें इंडायरेक्ट टैक्स की <coughs> तो सबसे पहली बात क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स व्हाट इज इंडरेक्ट टैक्स एंड वो चीज इज डायरेक्ट टैक्स सर सर एक बात और ध्यान रखिएगा देर आर समी लेक्चर फर्स्ट रूल ये है कि सर यहां पर केवल मैं नहीं बोलूंगा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए सर आपको मैं सुन रहा हूं ध्यान रखना भले हाँ ही वीडियो क्लास में आप देख रहे मुझे ओके सो यू हैव टू कम्युनिकेट विथ मी रूल नंबर वन रूल नंबर टू सर अगर मैंने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा है इट मीन्स यू नो द आंसर और आपको कॉमन सेंस से जस्ट सोच के आंसर देना है मुझे कोई लॉ की लैंग्वेज नहीं चाहिए मुझे कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं चाहिए बट आई नीड दी आंसर फ्रॉम योर साइड सर आप खुद को बोलना है भले वीडियो क्लास में बैठे हो आप और हां मैं नहीं तो क्या वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है सरकार और थर्ड बात जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो सेम डे आपको रिवाइज करना है आपके एंड पर अपने बुक से बेटा ओके सर ये तीन रूल्स आपको हमेशा फॉलो करना है ओके बच्चों क्लियर और आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए सिंस यू आर इन दी वीडियो क्लासेस सरकार आपसे रिक्वेस्ट ये है प्लीज कीप योर मोबाइल फोन ऑन कंप्लीट साइलेंट मोड लेक्चर के बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए जितना कंसंट्रेशन आपका यहां पे होगा उतना ही माहौल बनेगा सर ओके okay? क्योंकि सर चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती माहौल से है एंड सर हम पढ़ाई का माहौल बनने वाला है पढ़ाई का माहौल बनाने वाला है सर इस लेक्चर के अंदर आप और हम मिलके सरकार जब बैठेंगे तीन यार आप में और

सुना होगा पढ़ा होगा कई बार सर मैंने तो माना है कि कुछ भी नहीं आता सर पहली बार पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पर्सन हु बोन द बर्डन ऑफ दिस टैक्स मतलब जो पर्सन इस टैक्स का बर्डन बोन कर रहा है उसी को टैक्स पे करना है और गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स उसी से लेती बेटा इसलिए उसको बोलते डायरेक्ट टैक्स जैसे आपकी इनकम आपसे टैक्स बात करता हूं बेटा क्लियर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सर इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स अब सर इनडायरेक्ट टैक्स है तो क्या करने का इनडायरेक्ट टैक्स है तो क्या करने का मालिक क्या करेंगे हम सर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पेन परचेस किया आपने कोचिंग सर्विसेज परचेस करी सर आपने देखना बिल पे जीएसटी लग के आया होगा सरकार कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस आप परचेस करते हो उसके बिल पे देखना जीएसटी लगा होता है वो जीएसटी जो आपने पे किया वो दुकानदार को पे किया है सप्लायर को पे किया है सर आपने अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे किया है पर क्या डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को पे किया है नहीं मतलब टैक्स लेने वाला कौन गवर्नमेंट देने वाले कौन आप अब गवर्नमेंट ने अगर डायरेक्टली आपसे टैक्स ले लिया होता तो होता डायरेक्ट टैक्स टैक्स पर यहां पे इस एग्जांपल में आपने जो दिया वो सप्लायर को दिया सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है मतलब अल्टीमेटली सर लेने वाला कौन गवर्नमेंट देने वाले कौन आप आपसे अगर डायरेक्टली टैक्स ले लिया होता तो वो होता है क्या डायरेक्ट टैक्स सर इनकम टैक्स पर अगर आपसे लिया है टैक्स पर सम अदर पर्सन लिया आपसे पर किसी और सर दैट व्हाट इज कॉल्ड इंडायरेक्ट टैक्स बेस्ट एग्जांपल इज जीएसटी क्लियर डन चलिए सर ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था शुरू करते बात को धीरे धीरे करके हम सर आराम से होले होले बात करना मस्त होकर बात करना खुश होकर बात करना विच इज मोर इंपॉर्टेंट सरकार चलिए यार एक बेसिक सा पॉइंट मेरे माइंड में आता है कि ठीक है यार डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है ओके पर सर आखिर टैक्सेस क्या होते हैं यार व टैक्स अरे डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो दी जाती मैकेनिज्म कलेक्ट द टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो गवर्नमेंट ले तो रहा ना टैक्स आपसे बेटा अल्टीमेटली <coughs> सॉरी सॉरी अल्टीमेटली टैक्सेज होते क्या वट डू इन मै टैक्स आखिर टैक्स क्या होता है सर टैक्सेज आर दी रेवन्यू ऑफ द गवर्नमेंट टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट ओके सर तो अल्टीमेटली आपने बताया टैक्सेस क्या होता है मालिक टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट अग्रीड गवर्नमेंट क्या करती है बेटा हम सबसे टैक्स लेती है फंड कलेक्ट करती है और देश के डेवलपमेंट के लिए आज रोड बनाना है एयरपोर्ट बनाना है पुलिस अपॉइंट करना है आर्मी वाले अपॉइंट करने हैं सरकार इन सब का एक्सपेंसेज कहां से पे होगा सर उसके लिए फंड चाहिए वो फंड कहां से आएंगे वो टैक्सेस के थ्रू आएंगे क्लियर सरकार अब आप मुझे बताओ अभी टैक्सेस टैक्सेस आर द अल्टीमेटली रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट दिच इज बिंग यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर कंट्री डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेशन इन सबको फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए ये फंड कलेक्ट किया जाते विच इज कॉल्ड टैक्स अब साहब टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ओके सर हु इज गवर्नमेंट। चलो सर एक बात और पूछ लेते हैं एक बात और कर लेते हैं हु इज द गवर्नमेंट सरकार कौन है साहब हुईज अब की बार मोदी सरकार है ऐसा सर मोदी जी सरकार है क्या हु इज द गवर्नमेंट कांग्रेस बीजेपी हु इज द गवर्नमेंट सरकार अमिताभ बच्चन सर सरकार वन टू थ्री ऐसा हु इज द गवर्नमेंट सर कौन है साहब सरकार कौन है पता है देश के अंदर इंडिया में सर क्या कोई प्रेसिडेंशियल रूल चलता है कि राजा ने कह दिया बात मानना मतलब मानना है बात खत्म ऐसा नहीं सर गवर्नमेंट कौन पता है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है मालिक <coughs> ये सरकार सर इंटरमीडिएट सीए ए सी एस सी में दिल थाम के सर ढंग से आवाज़ आपकी और मस्त होकर बात करना आपसे मेरे को सर क्या होता है मालिक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी यस दिल में जो आवाज़ आ रही है सर फॉर पीपल बाय पीपल ऑफ दी पीपल जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा अरे है ना ये होता है मीनिंग डेमोक्रेसी का मतलब जनता जो बोलेगी वो होगा जनता के लिए होगा और जनता ही करने वाली सब फॉर पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल दिस इज वॉट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी सर मतलब ये है गवर्नमेंट कौन <coughs> पता है गवर्नमेंट कौन सर वी ऑल आर द गवर्नमेंट देश की जनता इज द गवर्नमेंट सर हु इज द गवर्नमेंट पब्लिक यहां को राजा नहीं है कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है कि राजा ने कह दिया बात मानना मतलब मानना है ऐसा नहीं है देश के 140 प्लस करोड़ पब्लिक जो है सर दैट इज द गवर्नमेंट ये हम सब मिलके 140 करोड़ लोग मिलके सर गवर्नमेंट बनाते हैं एंड वी ऑल आर द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट कौन हम सर सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब सरकार हम है वी आर द गवर्नमेंट क्या बात कर रहे हो सर बड़ा अच्छा लग रहा है फील हो रहा है सर मस्त वाला पर सर कैसे गवर्नमेंट कौन हम कैसे सर मतलब सर देश के अंदर जितने भी रूल्स, जितने भी एक्ट पूरा इनकम टैक्स एक्ट जीएसटी कंपनी सब किसने बनाया गवर्नमेंट ने बनाया गवर्नमेंट कौन हम हमने बनाया बाबा क्या बात कर रहे हो कैसे कैसे बनाएंगे सर मतलब देश कौन चलाएगा हम ओ ओ ऐसे ओ, ओ, ओ। आवाज तो आ नहीं मुंह से सर कैसे चलेंगे देश सर जल्दी बताइए गवर्नमेंट कौन हम हम मतलब कैसे चलेंगे देश को सर सर सारे रूल सारे एक्ट बनाएंगे कैसे तो हमने क्या किया पूरे तो देश में से अलग अलग एरिया से हर एरिया से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए सर इलेक्शंस के थ्रू तो हमने क्या किया हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए एंड पूरे देश में से हर एरिया में से सर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें सो अल्टीमेटली वी फॉर्म पार्लियामेंट अल्टीमेटली हमने क्या फॉर्म किया बेटा पार्लियामेंट फॉर्म किया एंड सर पार्लियामेंट क्या पता है पता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं सर पता है आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई अंधेरी मुंबई अंधेरी से कोई एक्स वाई जेड पर्सन कौन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो पर्सन है इट मींस ही इज इज ही रिप्रेजेंटिंग एंटायर एरिया ऑफ अंधेरी वो सारे अंधेरी के जो लोग है, उस, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक पर्सन उसने कोई डिसीजन लिया मतलब अंधेरी के सारे लोगों ने बात बोली है है हाँ ना सर सो so अल्टीमेटली ऐसे ही अंधेरी हो गया राजस्थान में हर सिटी हो गया सर हर शहर देश के अलग अलग एरिया से सर देश ने गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ हम सब ने मिलकर क्या किया पार्लियामेंट इलेक्ट किए बेटा एमपी जिसको बोलते हैं बेटा नरेंद्र मोदी जी सर नरेंद्र मोदी जी हाँ है ना भाई उनको हमने इलेक्ट किया है भाई और ये सुनो दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो अल्टीमेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे सर अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है सर अब आप मुझे बताओ सर अगर संसद पार्लियामेंट अगर चल रही है पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है जहां पे ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर प्रेजेंट मतलब वहां पूरा देश बैठा है दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देर रेस्पेक्टिव एरिया पूरे देश के अलग अलग एरिया से चुन चुन के लोग वहां पहुंचे हैं बेटा इलेक्ट होके वहां लोग पहुंचे हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अगर साथ में बैठे इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग एंटायर कंट्री पूरा देश के सारे पूरे पूरे देश के सारे सारे लोग वहां बैठे हैं माना जाएगा साहब क्लियर इसलिए बोलते ना संसद में हमला हुआ संसद में अगर बम फेंका मतलब पूरे देश, देश पे बम फेंका है साहब पूरे देश पे आतंक पूरे देश पर हमला हुआ है समझा मेरी बात तो सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने सर क्या, क्या, अब सर, अब सर, क्या? हम, हम पार्लियामेंट मतलब जितने भी लॉज बनते हैं जितने भी एक्ट बनते हैं जितने भी टैक्सेस बनते हैं जितने भी कानून आप देखते हो वो सब कौन बनाता है हम बनाते हैं हम थ्रू पार्लियामेंट रे हा मालिक क्लियर मतलब मतलब सर ये देश कौन चलाएगा हम चलाएंगे हम कैसे चलाएंगे थ्रू पार्लियामेंट चलाएंगे मतलब गवर्नमेंट कौन हम हम मतलब पार्लियामेंट अरे हा है ना भाई गवर्नमेंट कौन हम हम मतलब पार्लियामेंट आई होप बात आपको समझ में आ रही है आपकी क्लियर इसलिए सर गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स होते हैं गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है ऑल पावर्स आर पावर्स। अच्छा आप मस्त होके सुनिए खुश होके सुनिए रिलैक्स सुनो चीजें दिल तक पहुंचनी चाहिए सर तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा मस्त बेसिक्स अगर आपको आ गए तो चीजें आगे बहुत आसान होने वाली है ओके आप ये मत समझिए क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा सर अगर आपने केवल क्वेश्चन की पढ़ाई करी तो सर एग्जाम पास होना बहुत मुश्किल है सरकार चीजों को सुनिए क्वेश्चन अपने आप सोल्व देखना आप सरकार पहले विजन होना चाहिए तो रिविजन हो पाएगा सरकार सुनिए ध्यान से गवर्नमेंट के जितने भी पावर, पावर है वो सारे क्या है पार्लियामेंट्री पावर बेटा गवर्नमेंट कौन हम हम मतलब पार्लियामेंट और गवर्नमेंट की जितने मतलब सारे पावर्स कौन से बेटा पार्लियामेंट्री पावर है मतलब कोई भी लॉ अगर बनाना है कौन बनाएगा कौन बनाएगा सर सर ध्यान देना बेटा सरकार पार्लियामेंट के थ्रू लॉ पास होता है बेटा आपको बताए है हाँ ना सरकार सुनना बच्चा जो भी पावर से गवर्नमेंट के वो ऑल आर पार्लियामेंट्री पावर्स अब सुनना मेरी बात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं दिल थाम के सुनेगा बेटा बात को अब सर बताता तो हूं आपको सरकार गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है गवर्नमेंट ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना रखी है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो होता है वो लॉ फ्रेम करता है लॉ ड्राफ्ट करता है लॉ बनाता है पर सर वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते वो एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट से सर जो क्या करता है सारे कानून को ड्राफ्ट करता है बनाता है देश के हिसाब से फिर उस लॉ को प्रेजेंट किया जाता है सर इन द पार्लियामेंट सिंस टैक्सेशन टैक्सेशन इज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट सर विच इज डेल्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है एंड पार्लियामेंट के अंदर उस पर डिस्कशन होता है चेक करते हैं वेदर इट इज इंप्लीमेंटेबल ओर नॉट देश के लिए सही है कि नहीं है एंड सर वहां पे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सर वो सब लोग उनको समझते हैं देखते हैं और उनको लगता है मामला सही है तो ऐसे केस में सर वो पार्लियामेंट से पास होता है एंड सर पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा और आगे धीरे धीरे बात करेंगे सर लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा तो हम लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जो मेंबर को इलेक्ट करते हैं वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जाते हैं उनको वो जो बैठते हैं वो उसको बोलते हैं क्या लोकसभा और राज्यसभा सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी बेटा उसमें जो एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधायक वो लोग अपना एक नॉमिनेटेड मेंबर हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स नॉमिनेट कर दिया वहां इलेक्शन नहीं होता है नॉमिनेट करके सर भेजती राज्यसभा के अंदर क्लियर तो वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं दैट स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करके उनको भेजती बेटा क्लियर सर वहां पे जो एमएलए होते हैं बेटा वो आपस में वोटिंग करते बस उसमें पब्लिक वोटिंग नहीं करती बेटा क्लियर तो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करके जो मेंबर्स को भेजता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो जाते हैं कहा राज्यसभा के अंदर बेटा जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद थे बेटा हाँ ना भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लियर वो है सर, ओके, सरकार सुनना बात को ध्यान से सर तो दो हाउस हो गए बेटा लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा में तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको इलेक्शन के थ्रू हमने इलेक्ट किया होता है और राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट ने सारे जो हर स्टेट गवर्नमेंट के जो एम होते हैं वो हर स्टेट से अपने मेंबर्स नॉमिनेट करके वहां भेजते हैं बेटा क्लियर तो ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सर ये को प्रेजेंट किया जाता है डिस्कशन होता है और उसके बाद जब सर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाता है फिर प्रेजिडेंट के सिग्नेचर होते हैं उस पर तब जाके वो एक्ट बनता है तब जाके वो कानून बनता है जैसे आपने देखा होगा फाइनेंस बिल फाइनेंस बिल पहले पेश होता है कहा पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस के थ्रू सर वो पार्लियामेंट में जब पेश होता है पार्लियामेंट में पेश होता है फिर वो पास होता है पार्लियामेंट से फिर प्रेसिडेंट उनके उस पर साइन करते हैं तब जाके वो फाइनेंस एक्ट बनता है तब तक वो फाइनेंस एक्ट नहीं बनता क्लियर तो सर गवर्नमेंट के जितने भी पावर है वो सब क्या है पार्लियामेंट्री पावर से लोग सर अल्टीमेटली कानून में कोई चेंज करना है कहां से चेंज होगा पार्लियामेंट से चेंज होगा कोई नया लाना है कहां से आएगा पार्लियामेंट से आएगा पुराना लो हटाना है कहां से हटेगा पार्लियामेंट से हटेगा सर क्लियर पार्लियामेंट कौन मतलब हम लोग मतलब नया लो बनेगा हम बनाएंगे हम थ्रू पार्लियामेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉ को ड्राफ्ट करती है लॉ को बनाती है उसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में वो जो पास करती है तब जाके वो एक्ट बनता है तब जाके वो कानून इंप्लीमेंट हो पाता है भाई क्लियर अब सर मजा आ गया सर हमको ये बात समझ में आ गई कि लोग कैसे बनते हैं ओके okay, सर अब मेरे को एक चीज समझाओ सरकार अभी अभी हमने बात करी कि लो के अंदर सर कोई भी कानून अगर बनता है कोई भी कानून जब पास होता है सर कहां से होगा पार्लियामेंट से होगा कोई लॉ में चेंज करना है कहां से होगा पार्लियामेंट से होगा पुराना लॉ हटाना है कौन हटाएगा पार्लियामेंट सर नया लॉ लेके आना है कहां से आएगा थ्रू पार्लियामेंट आएगा अब सर समझना बात को ध्यान से अगर कोई लॉ में चेंज करना है अमेंडमेंट करना है कहां से होगा पार्लियामेंट से होगा सर गवर्नमेंट कौन हम हम मतलब पार्लियामेंट ओके सर मजा आ गया सर क्लियर अब मुझे बताओ सर देश में पार्लियामेंट जो चलती है पार्लियामेंट का जो सेशन चलता है वो क्या पूरे साल भर चलता है क्या बारह महीने ऑल दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या पार्लियामेंट हाउस में बैठे रहते हैं क्या सर वो सब कौन है देश के एम्प्लॉय नहीं है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है सर तो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं बेटा पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं ये 365 डेज नहीं चलता है अब सरकार जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं वो कितने होते हैं सर पूरे साल में तीन सेशन होते हैं पार्लियामेंट के एक बजट सेशन जो फरवरी मार्च में होता है बेटा एक मॉनसून सेशन और एक विंटर सेशन ये तीन सेशन होते हैं पार्लियामेंट के सर अब पॉइंट ये है ये जो तीन सेशन होते हैं ये कुछ दिन चलते हैं बच्चों सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये कि मान लो सर अभी मान लो अभी मंथ चल रहा है कौन सा अगस्त मंथ चल रहा है बेटा मान लो अब सरकार पार्लियामेंट का कोई सेशन है जो भी लास्ट मंथ ही खत्म हुआ है कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ मान लो पार्लियामेंट का सेशन गोट ओवर पार्लियामेंट सेशन गोट ओवर जस्ट फ्यू डेज बैक और मान लो आज समझना बात को ध्यान से सिचुएशन को समझने की कोशिश करना मजा आएगा सर आपको सरकार सर पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा अभी तो कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है और मान लो आज मुंबई में इतनी बारिश आई सर इतनी बारिश आई हर तरफ पानी पानी लबा लब सर पता है आपको देश का मोर देन नाइन्टी परसेंट शुगर कहां स्टोर होता है पता है आपको नहीं ना तो मेरे लिए बताना बहुत आसान हो जाता है बेटा <laughs> सर एग्जाम्पल लिए लो मान लो मुंबई मुंबई में मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो मुंबई के अंदर मोर देन नाइनटी परसेंट ऑफ दी शुगर स्टोर होता है कहा मुंबई में सर देश का मोर देन नाइन्टी परसेंट शुगर मुंबई में स्टोर था इतनी बारिश आई सब तरफ पानी पानी और देश का जो शक्कर था वो खराब हो गया गीला हो गया खराब हो गया सब अब सोच देखना सिचुएशन को समझने की कोशिश करना अब क्या होगा सर आगे सर देश का मोर देन नाइन्टी परसेंट शक्कर खराब ओके okay, अब अब आप, आप मुझे बताओ सर शुगर बींग गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी ये रोज हमें रिक्वायर होता है रोज काम आता है ना यू टेल मी शक्कर जैसी गुड्स मोर देन नाइनटी परसेंट अगर खराब हो गई सर अब बताओ सर देश में हालत क्या होगी साहब सर डिमांड तो लगभग लगभग उतना का उतना सप्लाई एकदम कम हो जाए तो क्या होगा सर टोमेटो टमाटर का आपने सुना ही होगा साहब टमाटर कितने महंगे हो गए तारक मेहता ने तो बढ़ाई सर सीरियल बना दी सर इन पे अरे हा है ना मेरे भाई सरकार आपने देखे होंगे सर देश में डिमांड तो उतना उतना सप्लाई एकदम कम हो गया आपने पढ़ा हुआ है सर क्या अगर सप्लाई बिल्कुल कम हो गया डिमांड ज्यादा है तो ऐसे कैसे प्राइसेस हाइक हो जाती है प्राइसेज बढ़ जाती है अब शुगर जैसे गुड्स अगर इसके प्राइसेस इतने हाइक हो गए तो सोचिए इन्फ्लेशन रेट का क्या होगा देश की इकोनॉमी का क्या होगा सर देश की आम जनता बहुत परेशान हो जाएगी अब करे तो क्या करे सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे केस में आप मुझे बताओ क्या मोदी जी वहां पर देश के सारे किसानों को बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों देश के अंदर शक्कर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है हमारे देश के लोगों को शक्कर चाहिए आप जाइए अपने फार्म पे अपने पे जाइए अपने अपने खेत पे जाइए और शुगर केन प्रोड्यूस करिए वहां से शुगर केन प्रोड्यूस करके कल हमको शक्कर चाहिए जाइए आप जाइए और कल शक्कर लेके आइए क्या आ जाएगी कल के कल शक्कर अरे भाई शुगर केन प्रोड्यूस होगा ये अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बेटा नेचुरल प्रोसेस से प्रोड्यूस होगा सर ये अपना टाइम लेगा शुगर किन प्रोड्यूस होने के बाद ये कट होगा फैक्ट्रीज में जाएगा शुगर किन जूस निकलेगा उसका फिर फर्दर प्रोसेसिंग होगी फिर शक्कर बनेगी फिर शक्कर आके मार्केट में आएगी तब तक क्या शुगर फ्री <laughs> क्या करे सर आप सोचिए तब तक तो देश की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया होगा इन्फ्लेशन का क्या हाल हो गया होगा देश की जनता क्या चाय में शक्ति क्या नमक डाल के पिएगी क्या आप मुझे बताओ सर मतलब आप सोचिए सोचिए ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए मतलब देश का मोर देन 90 परसेंट शुगर खराब नया शक्कर आने में नया शक्कर प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा सर अब देश का लगभग सारा शक्कर खराब नया शक्कर बनने में टाइम लगेगा सर अब डिमांड को फुलफिल करने के लिए सर प्राइसेस को स्टेबलाइज रखने के लिए गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे सर शक्कर की डिमांड को पूरा किया जाए प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक नहीं हो सर हाँ ना आप मुझे बताओ देश का सारा शक्कर खराब सर शक्कर बनने में टाइम लगेगा तो अब गवर्नमेंट को उस टाइम पर डिमांड फुलफिल करने के लिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पर देश में शक्कर के इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए बेटा आउट ऑफ इंडिया में जिस कंट्री में शुगर अवेलेबल हो वहां से इंपोर्ट करना चाहिए मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पर देश में शक्कर के इंपोर्ट को गवर्नमेंट को मोटिवेट करना चाहिए प्रमोट करना चाहिए बेटा अब देश में शक्कर के इंपोर्ट को उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर गवर्नमेंट को प्रमोट करना है मोटिवेट करना है कि जल्दी से शक्कर इंडिया में आ पाए ताकि डिमांड फुलफिल हो पाए तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को आपको पता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम्स ड्यूटी लगता है क्या लगता है बेटा कस्टम्स ड्यूटी लगता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम्स ड्यूटी लगता है या कस्टम कम कर देना चाहिए आप मुझे बताओ साहब अगर प्रमोट करना है मोटिवेट करना है तो डेफिनेटली कस्टम्स ड्यूटी का अमाउंट गवर्नमेंट को कम कर देना चाहिए कस्टम्स एग्जिम कर देना चाहिए टाइम पर बेटा अरे हा है ना भाई ये सर तो सरकार ऐसे केस में देश के अंदर सर ये एक सोल्यूशन निकलेगा क्या गवर्नमेंट फटाफट इमीडिएटली क्या कर दे देश से शक्कर को देश में शक्कर को डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट ऑफ शुगर पर कस्टम्स एग्जुम कर दे कम कर दे बेटा है हाँ ना अच्छा मतलब अगर शुगर पे कस्टम्स कम करना है या एग्जुम करना है मतलब लॉ में अमेंडमेंट करना रहेगा बेटा अब लॉ में अगर अमेंडमेंट करना तो कौन कर सकता बच्चा कौन कर पाएगा पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का सेशन तो अभी कुछ दिनों पर ही खत्म हुआ है सर अगला सेशन तो आएगा दो तीन महीने बाद तब तक तो क्या करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे क्या करेंगे <coughs> जी, शुगर फ्री सर इसलिए क्या भावे मोदी जी बोलेंगे मेरे को कल दिन में दो बजे हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां चाहिए भले उड़ है, 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 के आए तैर के आए चल के आय डोंट केयर ऐसा क्या नायक मूवी चल रही है क्या कोई अनिल कपूर को डायलॉग मार रहा है क्या नहीं यार हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिजी है सर उनको कल पांच साल में करप्शन सॉरी काम करने के लिए बेटा सर सो देश की भलाई वला, के लिए वो अपना काम करेंगे ना दे आर रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री दे आर बिजी हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब बुलाएंगे तब तो आ जाएंगे ऐसा नहीं पॉसिबल है सर इसलिए सर हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उस टाइम पे नहीं आ सकता लॉ के अंदर अमेंडमेंट करवाने के लिए सर कितनी बार बुलाएंगे यार रोज बुला लेंगे क्या तो वो बोलेंगे ठीक है हम यही एक काम करते हैं पॉसिबल नहीं है सर इसलिए जब हमने एक्ट बनाया एक्ट बनाते वक्त हमने ध्यान रखा और हमने कुछ पावर्स गवर्नमेंट को तो डायरेक्ट डेलीगेट कर दी बेटा उनको बोलते हैं क्या डेलीगेटेड Powers, हमने कुछ पावर्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट डेलीगेट कर दी कि यहां पे, बोल दिया क्या? यहां पे बिना पार्लियामेंट के, 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 के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी गुड्स पर अगर पब्लिक इंटरेस्ट में रिक्वायर्ड है जनहित में रिक्वायर्ड है तो किसी भी गुड्स पे कस्टम्स एग्जाम कर सकता है ऐसा ट्वेंटी फाइव बना दिया कस्टम्स एक्ट में हमने सर सेक्शन नंबर 11 बना दिया सी एक्ट के अंदर हमने सेक्शन नंबर 6 बना दिया आई एक्ट के अंदर जहां हमने लिख दिया गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस पे जीएसटी क्या कर सकते हैं एक्म कर सकते हैं कम कर सकते हैं और वहां पे पार्लियामेंट के सर अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी डायरेक्ट नोटिफिकेशन इश्यू करके अमेंडमेंट कर सकते हैं बेटा पर ये जो हमने डेलीगेटेड पावर्स दिए हैं, ये हर सेक्शन में पावर नहीं दी है हमने कुछ सेलेक्टेड सेक्शन में ही पावर दिए गवर्नमेंट को कि यहां यहां आप ये अमेंडमेंट कर सकते हो बाय बायू ऑफ अ नोटिफिकेशन सर मतलब लॉ में जो अमेंडमेंट होते हैं आपने देखा होगा सर फाइनेंस बिल सर आपने देखा होगा इनकम टैक्स एक्ट सर फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट साल में एक बार आता है पर साल भर अमेंडमेंट होते रहते हैं कहां से होते हैं सर वो पावर्स के कितने होते हैं आपने देखा होगा सर जीएसटी में अमेंडमेंट होता है सर फाइनेंस एक्ट के थ्रू होता है सीजीएसटी एक्ट में आईजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट होता है फाइनेंस एक्ट के थ्रू होता है साल में एक बार आता है पर आप देखना सर कई बार कई सारे अमेंडमेंट साल भर होते रहते हैं कहां से होते हैं वो डेलीकेटेड पावर्स के थ्रू होते हैं बेटा अरे मैं केवल इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं केवल जीएसटी की बात नहीं कर रहा आपने कई सारे एक्ट पढ़े होंगे या हो सकता है कई सारे लोग आप पढ़ने वाले हो अब आप देखना कंपनी एक्ट में लिखा होता है क्या सर सी सर बोर्ड हैज पावर गवर्नमेंट हेज पावर सर इनकम टैक्स एक्ट में आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट हेज पावर जीएसटी पढ़ेंगे मैं बताऊंगा आपको कई सारे सेक्शन में लिखा होता है क्या गवर्नमेंट हेज पावर सारे पावर में सारे सेक्शन में नहीं बेटा कुछ सेक्शन में लिखा होता है सर कई सारे एक्ट में लिखा होता है बोर्ड हेज पावर बोर्ड मतलब सीबीडीटी बेटा जैसे इनकम तो टैक्स तो की बात करें तो सीबीडीटी बेटा हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा आपको आगे क्लियर जीएसटी की बात करें तो सर भाई सीबीआईसी हाँ है ना आगे धीरे धीरे बात करेंगे बेटा हम तो सरकार गवर्नमेंट हैज पावर बोर्ड हैज पावर ऐसे कई सारे सेक्शन कई सारे रूल्स में आप देखते होंगे तो वो क्या है सब डेलीगेटेड पावर है मतलब वहां पे उन पावर को यूज करके ये पावर हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया एक्ट बनाते वक्त ही पावर दे दिया कि हमारे सेंक्शन के बिना ही आप नोटिफिकेशन इशू करके अमेंडमेंट कर देना इसलिए आपने देखा होगा साल भर अमेंडमेंट होते रहते सर जबकि फाइनेंस बिल तो साल में एक बार ही आता है बेटा क्लियर तो सर मैक्सिमम अमेंडमेंट जो होते हैं सर वो होंगे थ्रू पार्लियामेंट रहा है ना बेटा क्लियर पर कुछ पावर जो हमने गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दिए है उन डेलीगेट पावर से थ्रू जो अमेंडमेंट होते हैं सर सर वो भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं हिंदुस्तान के अंदर क्लियर अब सर आप कहेंगे ये सब कहानी आपने हमको क्यों समझाई सरकार क्योंकि आपको ये बताना बहुत जरूरी था सर एक सेकेंड ना बेटा Powers. हमने सारे पावर डेलीगेट नहीं किए सर हमने कुछ पावर डेलीगेट किए सर आप कहेंगे सब क्यों कही क्योंकि हमको लेक्चर पढ़ने से पहले शुरू करने से पहले पता कि हमारे क्या रिलेवेंट है मालिक तो आपके एग्जामी ऑफ दी आई -सी ए आईसीएसआई या सर कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए आईसीएमआई बेटा इनके इंस्टीट्यूट ने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि जो एग्जाम मंथ होता है आपका उसे सिक्स मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स मतलब आपके एग्जाम्स अगर मे 2024 में है तो ऑल अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव टिल 31 अक्टूबर 2023 विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स all amendments which are made applicable and effective till 31st october 2023 will be relevant for your exams and in these lectures in this uh, you know ye batch ke andar hum har ek har ek wo topic har ek wo amendment jo aapke liye applicable ho gaya hai till 31st october wo sab cover karenge aur ye batch khatam hone ke baad sir, जो कुछ amendment बचेंगे बेटा वो सब भी आपको पढ़ा दिए जाएंगे बच्चों हाँ है ना बेटा सो दिस बैच इज अपडेटेड फॉर मे 24 exams। कोई दिक्कत नहीं है Everything we are going to discuss. ओके okay, वो सारे अमेंडमेंट जो आपके लिए हो चुके वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे और यहां तक तो अमेंडमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे ओके क्लियर तो सरकार आइए वापस हम बात शुरू करते हैं हु द गवर्नमेंट यस सर ओ मालिक हु इज द गवर्नमेंट सर वी आर द गवर्नमेंट ओके सर ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई हु इज द गवर्नमेंट जल्दी बोलो वी आर द गवर्नमेंट ओके मतलब देश के अंदर जितने भी लोस बनाए हैं किसने बनाए हमने बनाए ओके सोर, अब बताओ आर दी चलते सर सर अभी बात करते हैं हु इज द गवर्नमेंट वीर आर द गवर्नमेंट सर टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट हु इज द गवर्नमेंट वी आर द गवर्नमेंट तो सर टैक्सेस कौन पे करता है हम पे करते हैं किसको पे करते गवर्नमेंट को मतलब हमको ही पे करते मतलब हम ही पे करते हमारे लिए ही पे करते तो सर जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सर रोड बनानी है आर्मी वालों को सर अपॉइंट करना है सर पुलिस वाले करना है, इतना बड़ा सिस्टम चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है उन सबको हम पे करेंगे ये सब लिए काम करें? हमारे लिए काम कर रहे हैं सर सो अल्टीमेटली द पीपल बाय पीपल बेटा क्लियर तो टैक्सेस आर रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन हम तो हमने ही फंड एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया है एक तरह से क्या गया बेटा ये काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड हम सब हमारे लिए एक फंड कलेक्ट कर रहे हैं सो so दैट वो कॉमनली हम सबके काम आ पाए फंड पर सर अगर

देश की सिचुएशन को इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए क्लियर सर अब डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो सर बोथ आर दी रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट सर अगर इनकम टैक्स की बात करें तो सर जिसकी इनकम होती है वही डायरेक्टली टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को इसलिए होता है डायरेक्ट टैक्स पर सर जीएसटी कस्टम्स ड्यूटी सर एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स ये सब की अगर हम बात करें वेट सेल्स टैक्स ये सब जो टैक्स लगते हैं ये गवर्नमेंट लेता है पर अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर जो होता है वो बर्डन बोन करता है पर सर सिंस जो गुड्स आप खरीद रहे हो फॉर एग्जांपल आपने मान लो सर कोई पेन परचेज किया मान लो सर सौ रुपए का, है, मान लो। अब 100 रुपी का जो पेन है परचेज किया है मान लो उस पर टैक्स होता है कितना एटीन परसेंट अठारह रुपए टैक्स है क्या ये आपके लिए पॉसिबल था कि अठारह रुपए टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर पाओ और अगर आप पे नहीं करते तो, तो क्या पॉसिबल है कि हर एंड कंज्यूमर के घर पर जाके गवर्नमेंट अठारह रुपए दस रुपए पांच रुपए किसने ने दस रुपए का पेन खरीदा सर दो रुपए टैक्स है सर क्या गवर्नमेंट घर घर आके टैक्स ले पाएगी सर एंड कंज्यूमर से पॉसिबल ही नहीं है इसलिए गुड्स और सर्विज पे जो टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने सिंस इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्स अल्टीमेटली फ्रॉम द एंड कंज्यूमर इसलिए उन्होंने सिस्टम बनाया इन टैक्स का और बोला क्या अरे भाई सप्लायर आप तो लाखों गुड्स बेचते हो करोड़ों की सर्विस सप्लाई करते हो आप अपने कस्टमर से टैक्स ले लेना हम तो आपसे लेंगे और हाँ टैक्स में सप्लायर को कह दिया हम टैक्स आपसे ही लेंगे और हाँ सुन लेना आपसे ही लेंगे आप भले कस्टमर से लो या ना लो अब कौन सप्लायर होगा जो कस्टमर से टैक्स नहीं लेगा क्योंकि पे तो अल्टीमेटली सप्लायर को करना ही करना है टैक्स अगर वो पे नहीं करेगा सर तो गवर्नमेंट उसी से रिकवरी करेगी वो सप्लायर ही नहीं बोल सकते जाओ कस्टमर से लेके आ जाओ वो कस्टमर टैक्स देने से मना कर रहा है क्लियर सिस्टम ऑफ इंड टैक्स बना है ऐसा कि सर आप जब गुड्स सेल कर रहे हो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तब जब आपकी प्राइस ले रहे हो उस प्राइस के साथ में टैक्स भी ले लीजिए गवर्नमेंट हमको ऑथराइज किया टू कलेक्ट द टैक्स पर जो टैक्स हमने कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है हमारा रेवेन्यू नहीं है हम आपसे कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे कर देंगे हाँ या ना तो अल्टीमेटली कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने लिया आपसे पर डायरेक्टली नहीं लिया है इनडायरेक्टली लिया है थ्रू वी ऑल पीपल इसलिए दिस टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स शायद बात समझ में आ गई इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स इट इज चार्ज ऑन पर्सन बट सर इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इसमें बर्डन आगे शिफ्ट होता है सर जैसे मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया इस टैक्स का बर्डन मैंने मेरे कस्टमर पे डाला कस्टमर ने सर आगे गुड्स बेचा तो उनके कस्टमर से टैक्स उन्होंने लिया होगा और फिर हमको पे करके गवर्नमेंट को पे किया बेटा अरे क्लियर सर तो इस तरह से चलता है सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है बेटा यहाँ आगे इनकम टैक्स में कोई बर्डन शिफ्ट नहीं होता है जो पर्सन बर्डन ऑफ टैक्स बोन करता है वही टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को यहां पे टैक्स में जो पर्सन बर्डन बोन कर रहा है सर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहा है वो किसी और पर्सन के थ्रू पे कर रहा है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स शायद बात आपके यहां पर फिट हो गई है और शायद जो मैंने ये बातें कही थी शायद आप में से बहुत सारे लोगों को आती भी होगी पर सर कई बार चीजें हमको आती है पर हम उसको सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड टू बी लर्न बिफोर बिगनिंग द सब्जेक्ट तो सरकार मेरे को हर वो बेसिक चीज जो आपको आती है सर पता है क्या होता है जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना बेटा तुमको तो लगता है हमको कुछ भी नहीं आता है पर सर मेरी गारंटी में आपको बताऊंगा कि सरकार जो बुक्स में लिखा है वो आपको आता है थोड़ा लॉजिकल सोचिए हंड्रेड परसेंट आपको आता है सारे लोग इसने बनाए हमने बनाए तो क्या इलॉजिकल लॉ बनाएंगे आप सोचिए ना यार हमने अगर कोई कानून बनाया तो क्या वो इलॉजिकल होगा एवरी वर्ड एवरी फ्रेज एवरी सेंटेंस इन द लॉ इज लॉजिकल इट्स नॉट लॉजिकल इट्स नॉट इलॉजिकल क्लियर बस उसको पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला चाहिए माहौल बनने वाला है क्लियर आइए बच्चों अब आप कहेंगे सर इतनी पंचायती करी सर <coughs> सर आखिर क्यों करी मैं तुम्हें समझाता हूं जो मैंने अपनी लास्ट लाइन बोली कि एवरी वर्ड एवरी फ्रेज एवरी सेंटेंस इन द लॉ इज लॉजिकल हर कानून जो बनाया लॉजिकल बनाया गवर्नमेंट कौन हम हमने बनाया होगा हमारे लिए अगर कानून बना तो डेफिनेटली हमने ही कानून बनाया हमारे लिए ही कानून बनाया तो डेफिनेटली वो क्या होगा लॉजिकल होगा इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको समझ में आएगा पिक्चर की आखिर ये बातें हम क्यों कर रहे हैं बच्चों चलिए सरकार बात शुरू करते हैं मान लो अभी जीएसटी शुरू करेंगे हम पर सर एक दो बातें और करते हैं बेटा हम कि आखिर ये सब पंचायती हमने क्यों करी इसका लॉजिक क्या था सर वो समझ में आएगा पता है अगर कोई एसएससी एसएससी मतलब टैक्स पेयर जीएसटी पे करने में अगर लेट हो गया जीएसटी मंथली पे करना पड़ता है मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू एक आइडिया दे रहा हूं बेटा बेटा एक टॉपिक को समझाने के लिए टेक्निकल बात बात नहीं कर रहे बात कर रहे रहे हम लॉजिकल हैं अगर कोई एस एस पता है जीएसटी के अंदर क्या होता है मंथली आपको टैक्स पे करना होता है सर जैसे जनवरी महीने का टैक्स है तो बीस तारीख ड्यूडियो होती है बेटा बेटा फरवरी अगले महीने की बीस तारीख तक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जनवरी का जो भी टैक्स बनता है आपका वो ठीक है एक एक्साम्पल के लिए हम ले रहे हैं बेटा तो एवरी एस एज रिक्वायर टू पे टैक्स ऑन टाइम पर अगर वो टैक्स पे करने में गवर्नमेंट को पे करने में लेट हो गया तो डॉक्टर नहीं सर कोई एस एगर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में लेट हो गया तो ही विल पे द टैक्स अलॉन्ग विंटरेस्ट एनी नो वट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एटीन परसेंट पर एन एम सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज मतलब दो दिन लेट हुआ तो दो दिन का इंटरेस्ट पे करते भाई तीस दिन, दिन का इंटरेस्ट पे कर दे सिंपल कहानी क्लियर पर अब देखना यही अगर मान लो कभी आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया और कल को आप केस जीत गए और आपके केस में अगर जीएसटी का क्या बनता है बेटा रिफंड बनता है और वो रिफंड देने में अगर गवर्नमेंट लेट हो गई गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने अगर लेट किया आपको रिफंड देने के लिए तो यू नो गवर्नमेंट विल आल्सो पे द इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट यू नो पर 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 सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट नंबर ऑफ़ ऑफ़ डेज रेट अगर एक दिन भी लेट हुए इक्कीस तारीख को भी पे किया तो एक दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा वेरी नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट यहां गवर्नमेंट को बुलाया क्या सर तुमको साठ दिन का टाइम दिया सिक्स जीरो जीएसटी के अंदर जब ने रिफंड के लिए अप्लाई किया अगर उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही थी तो जिस दिन उसने अप्लाई किया उसके सिक्सटी डेज में अगर गवर्नमेंट ने रिफंड दे दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सिक्सटी फर्स्ट डे से क्या लगेगा इंटरेस्ट वो भी कितना सिक्स परसेंट पर एनम और हमारे लिए एटीन परसेंट पर एनम एम अले चोर खुद के लिए कितना है बेटा सिक्स हमारे लिए एटीन अरे भाई माहौल ये क्या बात हुई यार ये क्या तरीका हुआ सर नहीं चलेगा नहीं चलेगा हमने तो क्या कर दी साहब स्ट्राइक कर दी हमने गवर्नमेंट से बात करी हमने कैंडल मार्च कर दिया नहीं चलेगा नहीं चलेगा अन्ना हम तुम्हारे साथ है तुम भूखे रहो हम मस्त रहे हम तुम्हारे साथ है और साहब हमने बोल दिया गवर्नमेंट को क्या नहीं नहीं साहब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो हमारे लिए भी सिक्स कर दो या आपके लिए भी कितना कर दो एटीन कर दो

जो लोन उसको मिलेगा बैंक से पंद्रह परसेंट अठारह परसेंट बारह परसेंट सर डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस डिपेंडिंग ऑन हिज सर दिस इज द जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर वो लोन लेके आएगा किसी बैंक से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उसको पंद्रह परसेंट अठारह परसेंट बीस परसेंट बारह परसेंट इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसमें भी सिक्योरिटीज देना पड़ता है टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं बैंक को प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ता है सब कुछ होता है साहब और सर सर अगर सिक्स परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो सर अगर वो टैक्स पे करने में लेट होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता बेटा ओनली सिक्स परसेंट पर नम तो सोचे क्या करता है एस सर मान लो दस लाख का टैक्स किसी एसएससी का बनता है उसको मान लो बीस लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है क्या करेगा बेटा वो दो महीने तक टैक्स पे नहीं करेगा मतलब उसका टैक्स पेमेंट का जो साइकिल है वो दो दो महीने लेट चलाएगा अब दो महीने उसने टैक्स पे नहीं किया बीस लाख रुपए अरेंज हो गया अब लाख का जो वर्किंग कैपिटल लोन अरेंज हुआ उसको सर टैक्स दो दो महीने लेट पे करेगा क्या हुआ साहब बीस लाख का टैक्स का जो अमाउंट उसने लेट पे किया बीस लाख का एक तरह से वर्किंग कैपिटल लोन अरेंज हो गया लोन आ गया उसके पास बीस लाख का वो भी कितना सिक्स परसेंट पर राम ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं और किसी भी को भी लोन के लिए अप्लाई नहीं करना डायरेक्ट टैक्स लेट पे करो बात खत्म रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंटरेस्टेंट तो सोचिए हर बिजनेसमैन क्या करता हर बिजनेसमैन बैंक से लोन लेने की जगह पर सर क्या करता गवर्नमेंट का टैक्स लेट पे करता और बोलता क्या हाँ टैक्स लेट पे तो क्या हुआ आई एम पेइंग द इंटरेस्ट वो भी सिक्स परसेंट पर हो न इसलिए हैविंग रिगार्ड टू मार्केट कंडीशन आप मुझे बताओ सर क्या सिक्स परसेंट इंटरेस्ट अगर हमारे लिए होगा तो क्या सही होगा नहीं सर अगर वो ऐसे एस बैंक से लोन लेके आएगा द नेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 परसेंट एटीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेल्व परसेंट इसलिए गवर्नमेंट ने मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा बेटा देखते हुए 18 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है आप मुझे बताओ सही हुआ है कि गलत हुआ मतलब अगर असेसी टैक्स पे करने में लेट हुआ तो अठारह परसेंट रेट ऑफ तो इंटरेस्ट बिल्कुल सही एक्सेप्टेड पका एक्सेप्ट किया हाँ ठीक है सर ओके मतलब अगर हम टैक्स पे करने में लेट हुए तो हमारे रेट ऑफ तो इंटरेस्ट एटीन परसेंट पर नाम है ओके सर पर अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट गवर्नमेंट अगर रिफंड देने में लेट हुई तो उनके लिए रेट ऑफ तो इंटरेस्ट फिर सिक्स क्यों इनके लिए भी कर दो तो सर आप सोचिए अगर इनके लिए तो क्या होगा वो सोचिए तो मजा आएगा सर लाइफ में मतलब आप सोचिए अगर कोई एस बैंक में एफ डी कराता है यू नो वट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपोजिट एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर छह परसेंट साढ़े छह परसेंट सात परसेंट मैक्सिमम बताए आपको <coughs> सर अगर आपने किसी बैंक में एफडी कराई है रेट ऑफ इंटरेस्ट छह सात परसेंट मिलता है केवल और यहां पर गवर्नमेंट को अगर रिफंड देने में लेट हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अठारह परसेंट कर दे तो सोचिए क्या होगा सर लोग तो जान के एक्स्ट्रा टैक्स पे करेंगे अभी असेसमेंट होगा रिफंड आपका बनेगा सरकार अभी क्या होता है हमको हाथ जोड़ने पड़ते हैं ऑफिसर के पास जाके साहब प्लीज हमारा रिफंड प्रोसेस कर दो अठारह परसेंट पर नाम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो ऑफिसर बोलेगा भाई साहब रिफंड ले लो <laughs> हम बोलेंगे नहीं 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 अभी नहीं जरूरत है इट विद यू रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों का शेयर मार्केट में इतना रिटर्न नहीं आता साहब यहां पे तो अठारह परसेंट पर नाम सिंपल इंटरेस्ट गारंटी के साथ मिल रहा है सर आपको तो लोगों के लिए तो इन्वेस्टमेंट का एक नया वेंचर खुल जाता है आज कहा इन्वेस्ट करना है चलो साहब जीएसटी डिपार्टमेंट जाके टैक्स एक्स्ट्रा पे कर देते वो एक हमारा नया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अठारह परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर अब आप मुझे बताओ कैसा ही हो रहा है नहीं सर इसलिए आप क्या बोलते हो सर मार्केट कंडीशन में सर गवर्नमेंट को अगर कोई बैंक में एफ कराएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने बोला क्या अगर हम आपको रिफंड में रिफंडस्ट विल तो भी सिक्स परसेंट पर एन एम अब आप मुझे बताओ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है सर बिल्कुल सही हो रहा है हाँ ना मालिक क्लियर डन मतलब अगर आससी टैक्स पे करने में लेट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एटीन परसेंट पर एनम और अगर एस ने अगर टैक्स एक्स्ट्रा जमा करा दिया कभी रिफंड का केस बनता है और गवर्नमेंट अगर रिफंड लेट होती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिक्स परसेंट पर नम अब आप मुझे बताओ सही हो रहा कि गलत हो रहा एब्सोल्यूटली सही हो रहा मतलब अगर हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 परसेंट पर रखी है बिल्कुल सही गवर्नमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स परसेंट रखा बिल्कुल सही यही हम पांच मिनट पहले क्या सोच रहे थे बिल्कुल गलत हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है चोर गवर्नमेंट चोर गवर्नमेंट बेकार और यही अभी हम क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल सही हो रहा है। यही फर्क है अकाउंटेंट में और चार्टर्ड अकाउंटेंट में हाँ है ना सर यही तो हमको सीखना है मैंने आपको क्या समझाया अभी सर लॉ किसने बनाए सारे कानून किसने बनाए हमने बनाए। एवरी प्रोविजन इन द लॉ इज लॉजिकल बस उसको समझने वाला चाहिए समझाने वाला चाहिए आई बेट यू हर एक प्रोविजन आपको इस तरह समझ में आएगा और मेरी गारंटी है अब लाइफ में इस फंडामेंटल को आप भूलने की कोशिश करो जहां के भी नहीं भूल पाओगे सर क्योंकि दिल में उतर गई बात कि हां यार बात बिल्कुल सही है ये वाली क्लियर और आपको पता है जो दिल में बसता है उसको कभी भुलाया नहीं जाता <laughs> ओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ पढ़ाई में वापस है। बस 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 समझे मेरी बात तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि पूरे सब्जेक्ट को हमको इसी तरह से पढ़ना है क्योंकि सर हर एक प्रोविजन अगर बनाया तो हमने बनाया हमारे लिए बना हुआ साहब क्लियर इसलिए पॉइंट <coughs> क्या है सर ये मैं आपको यही इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा था कि हर एक पॉइंट लॉजिकल है बस हमको समझना है हर एक चीज को अच्छे से याद अपने आप हो जाएगा मैं बता रहा हूं आपको सर क्लियर सो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज व्हाट शुड बी द अप्रोच टू स्टडी एनी सब्जेक्ट तो सर एज फार एज सी ए इंटरमीडियट और में इंटरमीडिएट और सीएस इंटरमीडिएट इज कंसर्न हम हर टॉपिक को इस तरह से लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे पर आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन इधर रहा तो माहौल जबरदस्त शानदार बनने वाला है और वो डेफिनेटली हम बना के रहेंगे क्लियर तो सर हमारे लेक्चर के रूल्स सबसे सब पहले रिपीट कर देता हूं आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यह होना चाहिए सर हम जीएसटी पहली बार पढ़ रहे हैं कोई तकलीफ नहीं है वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच हर एक चीज लॉजिकल होती है हम लॉजिकल पढ़ेंगे पर सर मैं जो आपको यहां पढ़ा रहा हूं मैंने अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपको इंटर करना आपको बोलना है क्लियर और मेरे को कोई टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए मेरे को लॉजिकल आंसर चाहिए सोच के आंसर दीजिए चलेगा और आंसर अगर गलत हुआ तो भी चलेगा सर पर आप बोलिए सर और मैं तो कह रहा हूं कभी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है और अगर आपने आंसर दिया और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो पता है क्या सोचने का ये नहीं सोचने का अरे आराम से गलत हो और पता है क्या भाई मजा आ गया जो चीज़ गलत आती थी वो मंगल ने सही कर दी यही तो सर हमें सीखने के लिए लेक्चर के अंदर और क्या है खुश होने का अरे मजा आ गया पैसा वसूल कुछ नया सीखा जो गलत आता था वो सही कर दिया इसने। That's what should be the approach. ये तो हम पढ़ने आ रहे हैं सर क्लियर एंड इसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है एंड जो मैंने आपको आज पढ़ा है वो सेम डे रिवाइज करना है आपको आपके एंड पर ये हमेशा आपको प्रैक्टिस डालनी है सर अपनी क्लियर तो सरकार आई होप समझ में आए गवर्नमेंट ना सर टैक्सेस कैसे बने सर लॉज में अमेंडमेंट कैसे होते हैं बच्चों एंड मैंने एक एग्जाम्पल देखी ये मैंने टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं है इंटरेस्ट का टॉपिक आएगा बाद में तो बात करेंगे हम पर सर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि, कि किस तरह से सर प्रोविजन बने हुए हैं हमने अगर लॉजिकल पढ़ाई करी तो डेफिनेटली सिस्टम समझ में आ जाएगा ओके okay? सरकार तो आप लोग अच्छा एक और बात सर आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है सर जो मैं डेली यहाँ पे नोट करूंगा सर एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम चाहे तो आप चाहो तो लेक्चर को पॉज करके सर अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हो बच्चा क्लियर सर जो मैं यहां लिखूंगा वो बाकी जो मुझे नहीं लिखवाना है या मैंने जो बोल के समझाया है क्लियर वो आपकी बुक में आपको इज मिल जाएगा मैं बताऊंगा बुक से आपको क्या पढ़ना है ठीक है सेकेंड थिंग आप लेक्चर पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर या फिर यू कैन अ क्लिक या इसका क्लिक करके सर लेक्चर एंड करके आप अपने नोटबुक के अंदर इनको नोट कर सकते हो क्लियर पर आपको डेली बेस पे नोट करना है लेक्चर को क्लियर जो मैं यहां लिख रहा हूं वो बाकी मैं कंटेंट जो बुक से पढ़ूंगा आपको बताऊंगा ये तो जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सेशन कैसे हमको शुरू करना है क्या हमें पढ़ना है बेटा ठीक है आप चाहे तो जस्ट हैवे अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड ठीक है या इसको पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए बेटा प्लीज कॉपी करिए ये सब काम की बात है बेटा क्लियर ये बहुत काम आएंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को लिंक करने के लिए आपकी बुक से बेटा ओके okay, मैं बुक से ऐसा कनेक्ट करूंगा मजा बन जाएगा सर आपका प्लीज एवर क्लिक ऑफ ओके थर्ड प्लीज क्लिक ऑफ दिस स्लाइड या पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए बेटा आपने नोटबुक के अंदर ये एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा याद रहेगा कि किस तरह से कानून को पढ़ना है ओके okay, मालिक डन तो सरकार Uh, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी सेक्शन था आपके लिए क्लियर जिसमें मैंने बताया कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है किस तरह से हम आगे पढ़ाई करने वाले हैं क्लियर माहौल जबरदस्त शानदार कैसे बनेगा इस तरह के फंडामेंटल हम जब सब सब सब, सब मिलके रोज सब जब सीखेंगे तब माहौल जबरदस्त शानदार बन जाएगा क्लियर एंड सर दिस लेक्चर इज कम्प्लीटली अमेंडेड एज पर आई सी आई न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में आपके कवर है वो सब कुछ हम कवर करेंगे क्लियर आपको जो मैं स्टडी स्टेटमेंट दूंगा आपको जो मैं बुक्स दूंगा इट विल कवर ऑल द टॉपिक्स बुक प्लस सर जितने भी पास्ट एग्जाम पेपर्स एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब से जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हुए वो सारे क्वेश्चंस आरटीपीज इश्यूड बाय दी आईसीआई टेस्ट पेपर इश्यूड बाय दी आईसीआई प्लस स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चंस आर गोइंग डिस्कस आपके स्टडी स्टेटमेंट में वो सब कवर होंगे सो नो नीड टू वरी बस आपको मस्त होके पढ़ना है और सर डेली बेस पर आपको रेगुलर रखनी है आपके इनमें पढ़ाई के लिए ऑल दी बेस्ट माहौल के साथ पढ़ते रहिए खुश होकर पढ़िए विच इज मोर इंपोर्टेंट मिलते हैं अगले सेशन में जय हिंद जय जै भारत माहौल जबरदस्त शानदार बबा